अब हम वेलकम टू अवर मेन टॉपिक। मैं आप दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। हसन साहब आए बाकायदगी से, आप बाकायदगी से आते हैं। तो फॉर दोज हु हैव नॉट टर्न्ड अप, आई विल मार्क देम एब्सेंट टुडे। मैं उनको सबको गैर हाजिर कर दूंगा जो आज नहीं आए, और आस्ते आस्ते फिर इनकी गैराजियाँ बढ़ गई तो इनका इम्तहान में बैठने की इजाज़त नहीं होगी। तो एनीवे, हम ये कर रहे थे, इस कानून का नाम है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो सीधी साधी सी बात है कि जब लेजिस्लेचर के पास काम बहुत होता है तो लेजिस्लेचर्स अपने काम की ज्यादती को डाइल्यूट करने के लिए वो अपने कुछ इख्तियारात जो हैं वो जैली हुकूमत के जैली अदारों को मुंतकिल कर देते हैं, सबॉर्डिनेट जो इंस्टीट्यूशन है। और एक ब्रॉड सा एक्ट पास कर दिया और उनसे कहा कि जी इस एक्ट की रोशनी में आप आगे लेजिस्लेशन खुद कर लें, इसके मुताबिक आप कवानीन बना लें। मसलन एक्ट में लिखा है, यूनिवर्सिटी एक्ट में, कि जी अगर कोई तालिब इल्म यूनिवर्सिटी के डिसिप्लिन को तोड़ेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये एक्ट में लिखा। अब इसकी तशरीह नहीं की गई कि क्या कार्रवाई की जाएगी, उसमें ये लिखा कि कार्रवाई होगी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ हिज डिफॉल्ट, जैसा डिफॉल्ट होगा वैसी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप समझ रहे हैं बात को? मसलन एक बंदा जो है वो जनाब किसी को थप्पड़ मार देता है, बदतमीजी करता है क्लास में तालिब इल्म, वो डिसिप्लिनरी एक्शन होगा उसके खिलाफ। अब जो एक्शन की नौइयत है, बात यहाँ हो रही थी कि जो एक्शन की नौइयत है वो रूल्स में आएगी, जो रूल्स बनाएगी यूनिवर्सिटी अंडर द पावर्स वेस्टेड इन द यूनिवर्सिटी बाय द स्टैट्यूट। तो रूल्स में लिखेगी, रूल्स में लिखा होगा कि जनाब यूनिवर्सिटी जो है वो सजा देगी तालिब इल्मों को डिसिप्लिन तोड़ने पर, ये सजा की नेचर होगी, डिसिप्लिन ये जुर्म है, ये अगर ये करेंगे तो उनको ये सजा मिलेगी। ये है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। जो लोग लेट आए हैं, जो लोग कल नहीं आए थे आज के कोर्स में आए, उनसे मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग टाइम पे आए हैं और इसमें शरीक हों। मैं आपके साथ नरमी बरतता हूँ, अगर आपके हाथे लगाता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप क्लास में ही ना आए, ये तो एक इंसानी रवैया मेरा कि आप लोग जो हैं परेशानी में मुब्तला हैं, आपके वालदैन परेशानी में मुब्तला हैं, तो मैंने आपको एक मौका दिया है कि मैं आपके अक्सर की हाजिरी लगा देता हूँ कि आपका लेक्चर शॉर्ट ना हो और आप इज्जत के साथ ये इम्तहान पास करके अमली दुनिया में चले जाए। लेकिन इसका मतलब नहीं कि फिर आप बिल्कुल आज़ाद हो गए कि जी साड़ी हाजिरी तो लगी सामू की लौड़े। आपकी हाजिरी लग गई, नो डाउट आपका मॉरल फर्ज है कि अब आप क्लास में आए बाकायदगी से, क्लास में आके सुने, जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ उनका लाजमी फायदा होता है। ये वो बातें जिनको यार ये तुम राणा सबील तुम ही नहीं आओगे तो और कौन आएगा, 15 मिनट के बाद तुम आ रहे हो, इसको तरीका तो नहीं है ना। यू आर द लीडर ऑफ द ग्रुप, जब लीडर ही नहीं आएगा तो फिर जो लोग लेड होते हैं वो कैसे आएंगे। तो मैं हमने शुरू किया हुआ था डेलीगेटेड। सॉरी सर, वो सॉरी सर, लाइट बंद था, अभी आई है लाइट। चलो भाई, चलो मैं क्या कह सकता हूँ सिवाय इसके कि मैं आपकी बात मान लूं।
लेकिन जब आपको और जरूरी काम करने होते हैं ना, तो फिर लाइटें शाइटें नहीं देखते आप, फिर ये नहीं कहते लाइट बंद है, लाइट खुली हुई है। ये चलो मैंने ओ भाई कल किधर थे, कल आए थे तुम? सर कल आया था मैं सर। लेट आए हो गए। अब दाढ़ी रख के तुम, दाढ़ी रख के तुम मोसेस बन गए, मैं तुम्हें क्या कह सकता। एक वो मोसेस बैठा शहबाज अली बैठा हुआ है, तो मैं आपको क्या कह सकता हूँ। तो कोशिश किया करें कि आपके साथ जब नरमी बरतते हैं तो उसका, और ये बातें आपको मैं बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूँ, शायद क्लास में भी जिसमें आप गैर हाजिर होते तो आपने बातें नहीं सुनी होंगी, दैट आई एम टेलिंग यू हियर इन दिस ऑनलाइन क्लास। तो एनीवे ठीक है, आप उसको आए, आपकी हाजिरी मैं लगाता जा रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ कोशिश करें कि आप जाए ना। वसद रहमान साहब हैं वो पहले आ जाते हैं, हालांकि उनकी ड्यूटी नहीं है, लेकिन सबसे पहले वो आते हैं, या एजाज आता है, हसन एजाज, शहबाज साहब भी आते हैं, वकार भी आया हुआ है, हैदर साहब भी आए हुए हैं, तो ट्राई टू कम ऑन टाइम। अब 12-13 तो लेक्चर रह गए हैं, 38वां लेक्चर चल रहा है आपका, ये 38th, तो हमने 48 या 50 के करीब करने हैं, वो इंशाल्लाह हो जाएंगे। पर्चा आपको तो देना है, आपकी वो जो है देख लीजिएगा असाइनमेंटें, जिन लोगों ने नहीं की असाइनमेंटें पूरी कर लें, 2-4 हैं ऐसे जिन्होंने नहीं की है असाइनमेंटें, अगर आपके नहीं होंगी तो मजबूरी होगी आपको फेल कर देंगे, नंबर लगाने ना उनके, तो वो होंगे तो यू विल बी फेलिंग, जो असाइनमेंट में जो फेल होता है वो फेल होता है। तो कोशिश करें कि हमारी इस नरमी से आप फायदा उठाएं। आप लोगों में बहुत कैपेसिटी है, बहुत प्रॉमिस है, और घर में बैठकर मुझे बड़ी अच्छा लगता है, घर में बैठकर अपने घर में बैठा हुआ और आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 35-40 मिनट में ख़त्म हो जाता है, अगर मैंने पानी पीना है या खाना खाना है, कोई आ गया उससे बात करनी चला गया, कितनी मुझे सहूलत है, आम क्लास में तो ऐसा नहीं होता। तो एनीवेज हम बात कर रहे थे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की, कि आपकी आपका कोर्स तकरीबन मैंने ख़त्म कर दिया, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको मैं अब दोहराऊंगा ताकि बातें आपके जहन में बैठ जाएं। आई विल रिपीट देम। तो ये टॉपिक मैंने शुरू में सरसरी इसका तस्करा किया था, व्हेन आई स्टार्टेड लेक्चरिंग ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इफ यू रिकॉल, फरवरी में जब हमने काम शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डायरेक्ट ये जो लेजिस्लेशन है डेलीगेटेड, इसकी हौसला अफजाई होती है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की हौसला अफजाई करता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। कैसे करता है? जो कानून साज असेंबलियां हैं, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, आप तशरीफ लाए थे, कि कानून साज असेंबलियों के पास अब कानून साजी का बहुत काम आ गया। कानून साजी जो है उसका आपको पता ही है कि उसका ताल्लुक होता है जो हालात आपके हैं, कानून का ताल्लुक आपके हालात से होता है, तो हालात दिन ब दिन पेचीदा तर होते जा रहे हैं, तो जाहिर है उसी लिहाज सर आवाज नहीं आ रही। तो वो साइबर क्राइम का कोई तस्वीर नहीं था आज से 25-30 हजार पहले, अब क्यों आ गया उसका तस्वीर, और कानून क्यों उसके बारे में बनाया गया? कि कानून का तो काम ही है कि वो माशरती तब्दीलियों को रिकॉर्ड करे, इनकैप्सुलेट करे, और उनसे पैदा होने वाले जो मसाइल हैं उनका तदारुक करे। जराइम, वाइट कॉलर क्राइम है या साइबर क्राइम, एटीएम का जो क्राइम है कि आपका एटीएम कार्ड है
और वो मैंने चुरा लिए और आपके पैसे निकलवा लिए, तो इट इज ए साइबर क्राइम। और ये व्हाइट कॉलर वाले लोग करते हैं, आम जाहिल लोगों को तो नहीं आती ये बातें, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ये काम करते हैं। तो कहने का मकसद ये था कि कानून का ताल्लुक है माशरे से, कानून खला में एग्जिस्ट नहीं करता, और जब आप कानून को अपडेट करते हैं तो फिर जो माशरे में होने वाली तब्दीलियां हैं उनको आप शामिल करते जाते हैं। जब ये नहीं था, साइबर इंटरनेट का दौरा नहीं था, देयर वाज नो साइबर लेजिस्लेशन ऑन साइबर क्राइम, कोई कानून नहीं था साइबर के बारे में कि ये कानून है साइबर के बारे में, नो। अब जब इंटरनेट आया और ये काम शुरू हुए तो फिर उन्होंने जरूरत महसूस की कि जनाब इसके मसला टेढ़ा होता जा रहा है, कानून बनाओ, अपने साइबर क्राइम बना दिए। तो दिस इज हाउ द लॉ ऑफ ए लैंड इनकॉर्पोरेट्स द चेंजेस इन द सोशल सेटअप। जो सोशल सेटअप के चेंजेस होती हैं वो तो कानून उनको अपने अंदर समेटता है, माशरती तब्दीलियों को कानून अपने अंदर समेटता है। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की जरूरत इस वजह से पेश आई कि असेंबलियों का काम बढ़ गया, नए नए जराइम हो रहे हैं, नई नई बातें हो रही हैं। अब ये देखें ना, चाइल्ड अब्यूज जो है ये कितना जोर पकड़ गया, बच्चों के साथ जो ज्यादती होती है, तो क्या हो रहा है इस पे अब सब लोग सर जोड़ कर बैठे हुए, कानून बना रहे हैं, सजाएं तजवीज कर रहे हैं, तो कानून में इजाफा हो रहा है कानून के अंदर। तो सिमिलरली जब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बनाया गया तो महसूस किया गया कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये एक बहुत बड़ा इफरीत है, एक बहुत कोलोसस है, बहुत बड़ा ऑर्गन है डायनासोर की तरह, इसकी तुंदी, इसकी जो हेरा फेरियां, इसकी जो मुतलकुल अनानियत है उसको नुकेल डालनी है। इट शुड नॉट बी अलाउड टू गो अनकंट्रोल्ड, अनचेक्ड, अनस्क्रूटिनाइज्ड। इसकी नाजवाजियों को गौर करना है, उसको गिरफ्त में लेना है। एडमिनिस्ट्रेशन का डायरेक्ट ताल्लुक होता है अवाम के साथ सबसे ज्यादा, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन का काम बड़ा अहम होता है। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन के पास सारी ताकत आ जाए, और आपने पढ़ा होगा, एक मकौला सुना होगा आपने कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, ये लॉर्ड एक्टन थे, एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, ज्यूरिस्ट थे, उनका मकौला था कि पावर इंसान को करप्ट करता है। आप देख रहे हैं जितने आजकल आपके इर्द गिर्द मुकदमात हैं, वो पावर की वजह तो करप्शन हो रही है। कोई वजीर है वो घपला कर रहा है, या किया उसने, कोई सरकारी मुलाजिम वो घपले कर रहा है, कोई पब्लिक का आदमी वो घपले कर रहा है। ये कौन लोग हैं जो जिनके हाथ में अनान है, अनान इक्तदार है, किसी अदारे में बैठे हुए पूरी उनके हाथ में उस अदारे की कुंजी है, हुकूमत में बैठे हैं उनके पास इख्तियार है, तो वो जो पावर होता है उनका वो उन्हें करप्ट कर देता है। करप्शन क्या होती है? योर इनएबिलिटी। करप्शन की तारीफ क्या है? इट इज ए स्टेट ऑफ माइंड वेयर यू आर डिसेबल्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज फेयर एंड व्हाट इज फाउल। ये आपके कैफियत है, और उस कैफियत में आप डिसेबल हो जाते हैं, आप माजूर हो जाते हैं अच्छाई और बुराई में तमीज करने के बारे में।
आपको नहीं पता अच्छाई क्या है, आपको नहीं पता, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग आपको मैं बताऊं, आपको भी पता है कैसे कैसे जराइम करते हैं। एक बंदा था वो इंग्लैंड से आईटी में हाईएस्ट डिग्री लेके आया, फिजिक्स का एमएससी था, आईटी का स्पेशलिस्ट था, वापस पाकिस्तान में आया, उसने अपना एक अदारा चलाया। अब हमारे तो हमें तो ये होती है ना कोशिश कि हम जल्दी जल्दी कमा लें। बिजनेसमैन होगा कि जो उसने एक साल में कमाना है वो कहता है एक हफ्ते में कमा लें। सरकारी मुलाजिम होगा जो उसने एक साल में जायज कमाना है वो कहता है मैं 10 दिन में उसका 10 गुना ज्यादा कमा लूं। तो ये जो पावर है ना, जब आपके हाथ में आता है तो आप सब चीजों से भूल जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास पावर भी है और जिनके पास अकल भी है। अकल होती है, अकल इस्तेमाल नहीं करते। तो व्हेन यू हैव पावर यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस दैट यू विल यूज दैट पावर पॉजिटिवली नॉट नेगेटिवली। तो एडमिनिस्ट्रेशन की ये डायमेंशंस हैं कि वहाँ इख्तियार है, वहाँ जी हजूरी है, वहाँ यसर यसर है, तो वहाँ ज़्यादा लाइकलीहुड होती है। लाइकलीहुड आप समझते हैं कि वहाँ तवक्को ज़्यादा होती है इस बात की कि ये कहीं ख़राब ना हो जाए। जैसे लाड प्यार ज़्यादा करते हैं माँ बाप बच्चे के साथ, तो बच्चा लाड प्यार में बाज़ औक़ात ख़राब हो जाता है, पढ़ाई लिखाई में दिल नहीं लगता, आवारगी की तरह माइल हो जाता है। इस तरह एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें लाइकलीहुड होती है कि वो आपको करप्ट करता है, और अगर आप मुकम्मल बाख्तियार हो गए तो आपका बेड़े गर्क कर देता है। पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। फिर एब्सोल्यूट पावर आपको मुकम्मल तौर पर करप्ट कर देता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो जब एडमिनिस्ट्रेशन एक क्लोसेस है, क्लोसेस कहते हैं बला को, बहुत बड़ी बला है, बहुत उसके डायमेंशन है, बहुत उसका हजम है, तो फिर उस बला को कंट्रोल में भी रखना है। आप कुत्ता पालते हैं एल्सेशन, बड़ा खौफनाक होता है। बुल टेरियर कुत्ता पालते हैं आप, बड़ा खतरनाक होता है, खुला छोड़ दें तो बंदे खा जाते हैं। उसके ऊपर फिर आप कंट्रोल करते हैं, जंजीर बांधते हैं, घर में बांधते हैं, उसको ट्रेन करते हैं। सिमिलरली एडमिनिस्ट्रेशन बीइंग एन ऑल पावरफुल बॉडी ऑफ गवर्नेंस नीड्स टू बी चेक्ड एंड कंट्रोल्ड इफेक्टिवली। तो इस एस्पेक्ट को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ अलहदा कानून है अलहदा बना दिया गया कि इसका कानून अलहदा होगा। तो लोग डर के काम करेंगे और लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे, और उन पर एक सजा और जजा का जो तलवार है लटक रही होगी। तो जब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जब एडमिनिस्ट्रेशन की ये नौयत है तो उसके लिए कानून बना दिया गया कि इनको छोड़ना नहीं अगर ये कोई हरकत करें। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जब बनाया गया, बेयर आउटलाइन स्टैट्यूटरी 22, 23, 24 उसके सेक्शन करके, और उसमें बता दिया गया एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के तहत ये SOPs होंगे, और अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के तहत अदारे अपने लिए असूल और जवाबदेह बनाना चाहें तो बना लेंगे, जिनको हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं।
तो फिर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब ये हुआ कि जो मेजर कानून है वो तो असेंबलियां बनाती हैं, मेजर कानून। उस कानून के तहत जो फंक्शनैलिटीज हैं, ऑपरेशंस हैं, कि कैसे फॉर्मेट हैं, कि उस कानून पे अमल कैसे करना, अमल के लिए फिर डिपार्टमेंट्स को इख्तियार दे दिया जाता है। दे आर एम्पावर्ड अंडर द प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन टू फ्रेम रूल्स इन द लाइट ऑफ द ओरिजिनल स्टैट्यूट। जो ओरिजिनल स्टैट्यूट है, जो असेंबली का कानून पास किया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, उसके तहत आपने असूल बनाने, रूल्स बनाने, और वो असूल और वो रूल जो है वो इंसाफ के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए, वो माशरे की जो जरूरियात है उनको मद्देनजर रखते हुए, वो इंसानों की खसलत की कमजोरियों को मद्देनजर रखते हुए बनाए जाते हैं। और अगर उनमें दो किस्म के नुक्स पाए जाएं, एक नुक्स ये है कि वो ऐसे रूल्स हों जो बड़े बोधे हों, बोधे का मतलब है वीक, जिनकी जो इबारत है वो एम्बिगुअस हो, मबहम हो, जो गैर मौसर हो, तो फिर ऐसे रूल्स को चैलेंज कर सकते हैं। जो साइलेंट हो, जो वाइटल इश्यूज जो हैं उनके बारे में कोई हल ना दे सके, तो ऐसे में इनको हम कहते हैं कि वो जो अथॉरिटी है जिसने ऐसे रूल्स बनाए हैं उसके खिलाफ आप चैलेंज कर सकते हैं अदालत में, जी ये यूनिवर्सिटी एक्ट है, कहिए जी इन्वायरमेंटल एक्ट है, तो इन्वायरमेंटल एक्ट एड कहता है जो कानून बनाया गया है उसमें बहुत सारी कमियां हैं, डेफिशिएंसीज हैं, तो अदालत से आप रिक्वेस्ट करेंगे कि जी इनको रिवाइज किया जाए बड़े एहतराम से। अदालत साहब कहेंगे कि जनाब आई रिक्वेस्ट योर लॉर्डशिप्स दैट दिस लॉ शुड बी रिवाइज्ड सो दैट इट डज नॉट गो अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन पीपल, इट डज नॉट ट्रांसेंड द लिमिट्स ऑफ लॉ, and it does not permit high-handedness. मैं बता रहा था कि delegated तफवीज की जाने वाली बहुत आसान है ये, जो लोग नहीं आए जो जिनको मैं बैठे हुए उनको मैं सुना रहा हूँ, तफवीज करना ते फे वाओ ये और ज़ुआद, मैंने मस्जिद का इंतजाम एक कमेटी के जिम्मे तफवीज कर दिया है, एक कमेटी को तफवीज कर दिया है, मीनिंग कि मैं एक मस्जिद का इंतजाम चला रहा था, मैं कुछ बीमार महसूस करता हूँ, काम मेरे पास ज्यादा है, तो मैंने कमेटी बना दी है और वो कमेटी मस्जिद का इंतजाम चलाती है, और जब कभी कोई उसको मसला बनता है तो मेरा मशवरा देती है, मुझसे डिस्कस करती है, रसद करने के बाद एक्शन लेती। तो इस तरह एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को बनाया गया है कि इसमें कानून के तकाजे भी पूरे हों और अफराद के हकूक की भी जमानत हो, अगर वो मुलाजिम है तो उसके हक की जमानत हो, अगर वो आजिर है मुलाजिम रखने वाला है उसके हकूक की भी जमानत, रियासती मफादात की जमानत हो, रियासत का मफाद अंजर नहीं होगा, इंजर नहीं होगा, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की डोमेन है।
और इसमें सजा व जजा का जिक्र है कि जो आदमी गवर्नमेंट इंटरेस्ट के खिलाफ काम करेगा उसको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के तहत पकड़ा जाएगा और उसको करार वाकई सजा दी जाएगी। दीज आर सम ऑफ द फॉल आउट्स एज दे कॉल इट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन डिपार्टमेंट्स को सौंप कर लेजिस्लेशन का काम, लेजिस्लेशन ने अपने काम को हल्का किया है। बेशक जो माहिरीन कानून है वो इस बात को अच्छा नहीं समझते कि आप क्रिटिकली मैं एग्जामिन कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि माहिरीन कानून को अंग्रेजी में कहते हैं ज्यूरिस्ट, JURIST, जैसे एतजाज हुसैन एहसन इज ए लीडिंग ज्यूरिस्ट ऑफ पाकिस्तान, SM जफर इज ए लीडिंग ज्यूरिस्ट ऑफ पाकिस्तान, ये बड़े बड़े वकील हैं उनके बारे में। तो मैं बता रहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के जरिए जिसको के ज्यूरिस्ट पसंद नहीं करते, ज्यूरिस्ट पता है क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जी ये तो कानून, बुनियादी जो कानून के लवाजमात हैं उन पर पूरा नहीं उतरता ये कानून, क्योंकि इसमें सुकम बहुत है, क्योंकि इसमें डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बहुत है और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन तो होती है वो जमहूरी कदरों की नफी है, कानूनी कदरों की नफी है। इट इज एन एंटीथेसिस टू लीगल वैल्यूज एंड डेमोक्रेटिक नॉर्म्स। ये जी डिपार्टमेंट कौन होता है जी कानून बनाने वाला, ये ज्यूरिस्ट की राय है। ज्यूरिस्ट कौन होते हैं, माहिरीन कानून। जी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के तहत जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है इसको सर्कमस्क्राइब किया जाए, इसकी हदूद को मुतय्यन किया जाए, कम से कम किया जाए, ताकि जो आवाम है उनकी मफादात मजरूह ना हों। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के जरिए उन्होंने कोशिश की है कि वो फर्द के हकूक की हिफाजत और फर्द के हकूक की हिफाजत हो, एम्प्लॉयर के हकूक की हिफाजत हो, एम्प्लॉई की हकूक की हिफाजत हो और इसी तरह जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका मसला दुरुस्त किया जाए जिनका किसी काम में डायरेक्ट मुलव्वस होते हैं वो स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। तो ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के जरिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के तहत जो मुख्तलिफ महकमे हैं उनको अख्तियार होता है कि आप अपना कानून बनाए, आप अपने असूल बनाए, जवाबत बनाए। वो जवाबत और असूल इनको रूल्स कहते हैं, आप उन पर अमल करें जमहूरियत के असूलों के मुताबिक और जो स्टैट्यूट है जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है उसकी मंशा के मुताबिक। और जाहिर है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की मंशा एक जमहूरी मंशा होगी, गैर जमहूरी मंशा नहीं होगी। जमहूरी मर्शा क्या होती है जी, ऐसा काम किया जाए जिससे अवाम उन्नास को फायदा पहुंचे, ऐसा काम किया जाए जिसमें आपकी अपनी इंटरेस्ट वो नीचे हो और कौम की इंटरेस्ट ऊपर हो।
you will have to subordinate your interest to the interest of the nation as a whole. ये जमहूरी लॉ के एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के ये खसूसियात हैं और ये डेलीगेटेड जो जो वो होते हैं पावर्स उनमें भी यही असूल कार फरमा है कि जब महकमा ओरिजिनल कानून के तहत रूल्स वजा करेगा तो वो जो रूल्स हैं वो जमहूरी कदरों से मुताबिकत रखें, कानून की हदूद में हों और अवाम के मफाद में हों। ये बातें इंतहाई अहम हैं, इसको कल हम कंटिन्यू करेंगे। मैं आप लोगों का ममनून हूँ, आप अपनी तमाम मसरूफियात के बावजूद इसमें शामिल हुए हैं। ये कोई अब 6 या 5 हफ्तों का कोर्स रह गया आपका। अभी तक हमने ये हमारा 8वां हफ्ता चल रहा है। 7 हफ्ते हमने पढ़े हैं ऑनलाइन, जिसमें 21 लेक्चर हुए हैं, 15 लेक्चर हमने पढ़े क्लासरूम में, 36 और 2 लेक्चर आज का मिला के इस हफ्ते के हैं, 38 होगा। 48 लेक्चर का आपका एक सेशन होता है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने अभी फिलहाल ये किया है कि जी 48 नहीं, आप असर तक आप 50 या 52 कर दें, एक्सटेंड कर दें 13 तारीख 31 तारीख तक। तो खैर वो तो कोई ऐसी बात नहीं है, हम वो कर लेंगे। आपको मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी बता दूंगा, आपको सवालों की नौयत भी मैं बताऊंगा। हमारे पास बहुत वक्त है और इसमें आपको एक फायदा ही होगा कि आपको बातें समझ आ जाएंगी, क्योंकि आप अपने घर में बैठ के आराम से मुझे सुन रहे हैं या अपने दुकान में बैठ के सुन रहे हैं, तवज्जो आपकी मेरी तरफ है, बातें आपको समझ में आती जा रही हैं। तो अल्लाह ताला आपका हाफिज व नासिर हो, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। प्लीज़ ट्राई टू कम इन टाइम, और जो लोग नहीं आ रहे ना उनको भी आप सबीर साहब बता देंगे भाई आने में कोई अर्ज नहीं है। थैंक यू वेरी मच।